अय्यूब की पुस्तक अध्याय चार। अय्यूब की पुस्तक अध्याय चार। तब तेमानी एलीपज ने कहा, यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा? परंतु बोले बिना कौन रह सकता है? सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं? और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं? क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नाश हुआ है, या कहीं सज्जन भी काट डाले गए? मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। वे तो परमेश्वर की श्वास से नाश होते और उसके क्रोध के झोंकों से भस्म होते हैं। सिंह का गरजना और मनुष्य हिंसक सिंह का दहाड़ना बंद हो जाता है और जवान सिंहों के दांत तोड़े जाते हैं। शिकार न पाकर बूढ़ा सिंह मर जाता है और सिंहनी के बच्चे तीतर बीतर हो जाते हैं। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंच गई और उसकी कुछ झनक मेरे कान में पड़ी। रात के सपनों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहते हैं, मुझे ऐसी थरथराहट और कपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। वह चुपचाप ठहर गई और मैं उसकी आकृति को पहचान न सका, परंतु मेरी आंखों के सामने कोई रूप था। पहले सन्नाटा छाया रहा, फिर मुझे एक शब्द सुन पड़ा कि क्या नाशवान मनुष्य परमेश्वर से अधिक न्यायी होगा? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? देख, वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को मूर्ख ठहराता है। फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी नेव मिट्टी में डाली गई है और जो पतंगे की नाई पीस जाते हैं, उनकी क्या गणना? वे भोर से सांझ तक टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। वे सदा के लिए नाश हो जाते हैं और उनका विचार कोई भी नहीं करता। क्या उनके डेरे की डोरी उनके अंदर ही अंदर नहीं कट जाती? वे बिना बुद्धि के ही मर जाते हैं